Hello and welcome everyone. Today is PUBG Titans Tournament Premium Match. Premium Match मतलब bigger prize. हाँ ठीक है, जितने हम चाहते हैं bigger करने उतने तो अभी नहीं हो रहे हैं, but हो रहे हैं bigger than free entry tournament. So आज के prizes बता देता हूँ, आज के teams बता देता हूँ. तो आज 10 team थी, but एक team time की वजह से नहीं है. सुंदर लड़की है, कौन बना हुआ है, करण शाह कन्या बने हुए हैं भाई, ऐसा क्यों. अच्छा चलो, सो फर्स्ट प्राइज ऑफ 400, सेकंड प्राइज ऑफ 300, थर्ड प्राइज ऑफ 200 पर किल और 10 रुपीज पर किल फॉर टॉप थ्री. और जैसा कि एन एडिशनल प्राइज हमने रखा है 100 रुपीज ईच फॉर टॉप टू. जो सबसे ज्यादा किल्स निकालेंगे उनको 100 रुपीज एडिशनल मिलेगा टॉप टू टीम्स को. सो मोस्ट किल्स निकालने वाली टॉप टू. लेकिन अगर किसी की टीम्स की किल बराबर होती हैं तो जिसने पोजीशन के साथ किल निकाली है उसको वो 100 रुपीज के प्राइस मिलेंगे दो अलग से. सो 100 100 200 वो हो गया लो, लगभग करीब करीब 1300-1400 रुपये का प्राइस पूल है. और सब क्योंकि जो पर किल प्राइस है वो कभी कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं किया जा सकता, सो पर किल वो मिलेगा. सो हम उड़ चुके हैं, प्लेन में आ चुके हैं और हम वापस करण शाह पे आ चुके हैं. सो हमारे पास आज 10 टीम थी यार, प्रीमियम में हम 9 पे आके अटक गए. 9 के आगे टीम ही ना बढ़ती हैं. और अगर प्रीमियम नहीं खेलेंगे तो अच्छे से अर्निंग कैसे होगी. सो अच्छी अर्निंग का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टीम्स जो खेल रही हैं. सो आज हमारी कुछ रेगुलर टीम्स भी नहीं आई हैं, जैसे किंग ऑफ यूनिटी नहीं आई है. सो नुमान भाई बोल रहे थे कि ईद है तो ईद की वजह से नहीं आए हैं. सो ईद वगैरह की तैयारी चल रही है. सो हैप्पी ईद टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू नुमान भाई एंड एवरीवन हु इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट ईद. सो उसके बाद रक्षाबंधन आएगा तो उसकी मुबारकबाद हम तब देंगे, पर ईद तो आज ही हो जाएगी डिक्लेयर. सो कल होगी ईद की सेलिब्रेशन. सो मैंने नुमान भाई से बोला, भाई महाराष्ट्र से बिरयानी भिजवा दो, तो महाराष्ट्र से बिरयानी भिजवा रहे हैं मेरे लिए. सो हम बिरयानी खाएंगे बाद में. फिलहाल ग्रेफिटी उतर चुकी है और एज यूजुअल मिलिट्री की तरफ जा रही है. यहाँ पर मुझे डीएन गोकू वगैरह नज़र आ रहे हैं. सो आपको जल्दी जल्दी टीम बताता हूँ. सो PBX है टीम नंबर 1, टीम नंबर 3 है शेडो, अभी भी प्लेन में है ओनिक्स भैया, सब लोग ज्वाइन हो गए हैं आज, टाइम से भी हो गए हैं और हमने टाइम से मैच भी शुरू किया है. अच्छा प्रीमियम में ये बढ़िया रहता है, सारी टीम्स आ जाती हैं टाइम एग्जैक्टली, टाइम पे शुरू हो जाता है, कोई झंझट नहीं आता. सोए टाइकन एक हमारी ऑसम खेलने वाली टीम पिछली बार की, हर्ष का गेम प्ले कौन भूल सकता है, और हर्ष रहे ये. तो टीम नंबर 4 देन ग्रेफिटी इज स्टिल गोइंग डाउन टुवर्ड्स मिलिट्री एंड देन देयर इज टीम नंबर 6 व्हिच इज प्रोफेसर्स. सो प्रोफेसर्स एक हमारी नई टीम जो प्रीमियम आज ज्वाइन की है और द बीस्ट जिसने हमें प्रीमियम ज्वाइन किया है. ऑल्दो ये टीम्स पहले से खेलती हैं पर प्रीमियम नहीं खेल रही थी, अब ये प्रीमियम में भी हाथ आजमाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है भाइयों. और आई एम वॉरियर ने पहले कुछ प्रीमियम्स खेले हैं, आज भी प्रीमियम में पार्टिसिपेट कर रही है. सो आई एम वॉरियर्स PBX. सो आज हमने टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज किया, 9 बजे स्टार्ट किया है. सो 11 नंबर पे है हमारी द बीस्ट. सो 10 नंबर की जो टीम थी डेडली नूब्स, उन्होंने मना कर दिया खेलने से, द रीजन बीइंग कि उनकी ट्यूशंस वगैरह थी एंड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो स्टडीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो आई हैवंट टोल्ड देम टू ज्वाइन और स्किप देयर क्लासेस और समथिंग बिकॉज स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो 11 के डिस्ट्रॉयर दीपू बीस्ट और अभी जो है वो कहीं और ही घूम रहे हैं और देखते हैं ये कहाँ पर घूम रहे हैं. सो ये लोग पोचिंकी के थोड़ा पास उतरे हैं और शायद इसलिए क्योंकि पोचिंकी में टीम नंबर 8 है आई एम वॉरियर्स, और आई एम वॉरियर्स के आसपास और कोई भी नहीं है. और ये आपकी PBX की टीम भी वहीं पर उतरी है. शॉर्ट आइकनिक सेवरनी चली गई है, नूब के सीनियर नूब्स की टीम प्रातिन वगैरह याशनाया चले गए हैं, ग्रेफिटी और डीएन की टीम प्रिमॉक्स चली गई है विच इज माई हॉटस्पॉट. सो यहाँ पर जो सबसे पहले फाइट होने की उम्मीद है वो बीस्ट और आई एम वॉरियर की है क्योंकि बीस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ उतर गए हैं, वो शायद सीधे पोचिंकिंग में नहीं आए तो फाइट लेने स्टार्ट में, लेकिन मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ उनकी पोजीशन. तो हम ज़रा अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर जाते हैं और ज़रा घूम घूम के अपने हेलीकॉप्टर कैमरा से देखते हैं कि कहाँ है. सो यहाँ पर प्रोफेसर्स भी है, ओ हो. सो हम अभी देख रहे थे कि यहाँ पर कौन थी, अभी हम प्रोफेसर्स को देख रहे थे, नहीं भाई बीस्ट देख रहे थे ना. 11 का है. सो 11 यहाँ पर है और विच इज़ दिस पोजीशन. सो दिस इज़ अ पोजीशन. ये तो अच्छा, ये लोग उधर से इस तरफ आ गए, वो सामने रहा हमारा पोचिंकी नामक गांव और ये यहाँ से घूम के इस तरफ से यहाँ पर आ गए. सो सेम ग्राउंड में अब तो ये नहीं रहे और हम भागते हैं फटाफट वॉरियर्स पे जाते हैं. सो वॉरियर्स को देखते हैं, ध्रुव यहाँ पर बैठे हुए हैं. सो ध्रुव का पूरा फोन नंबर है क्या है, ओके. और यहाँ पर शेटी किंग्स हैं, वॉरियर हैं और ये लोग पोचिंकी में लूट मचा रहे हैं और सामने इनके प्रोफेसर्स हैं. अदरवाइज तीन
टीम आज आ गई थी पोचिंग की, और प्रोफेसर्स पीछे की तरफ हैं पोचिंग की में और फ्रंट की तरफ ये हैं। सो अभी हम प्रोफेसर्स और इनको ही देखेंगे, मैप पर नज़र डालते रहेंगे बीच बीच में कहीं पर और फाइट ना शुरू हो जाए, लेकिन बीस्ट भी ज़्यादा दूर तो नहीं है और इधर पीछे पीबीएक्स की टीम है। सो यहाँ पर फाइट शुरू हो उससे पहले हम प्लेयर व्यू पर चले जाते हैं और बिल्कुल यहाँ पर डीए जो हैं वो शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ गुड टू सी अ फाइट इन द बिगनिंग ऑफ द गेम, आई होप सो। डीएस कार्ल डेडली एंड कार्ल एंड डेडली एंड डी एंड एस बी ये लोग यहाँ पर हैं, और ग्रेफिटी के पास तो खैर कोई भी नहीं है, सेम ग्राउंड में ही चलते हैं हम। सेम ग्राउंड में वॉरियर के पास जाते हैं, वॉरियर सब अपना अपना लूट कर चुके हैं, किसी के हाथ में M16 है, किसी के हाथ में M416 है, किसी के हाथ में AKM है, और ये घूम रहे खाली हाथ में, मतलब है पर पहले पीछे लटक रही है, शायद इनको अभी तक कोई भी AR नहीं मिली है। सो ये भी देखने वाली बात होगी कि गन्स वगैरह सबको मिल जाएं और हम कर दें AC को बंद। ओह थैंक गॉड, ज़्यादा ही देर से चल रहा था, ठंड लगने लगी। सो भाइयों आज का प्रीमियम मैच जो है, आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका किया था, पहले हमने काउंट ऑफ टीम्स लिया था। सो काउंट ऑफ टीम में मेरे पास मुझे था कि आज छोटे नूब भी नहीं खेल रही है, आज हमारी किंग ऑफ यूनिटी नहीं खेल रही है, PBX2 नहीं खेल रही है, जो प्रीमियम खेलने वाली बराबर टीम्स है वो नहीं खेल रही है, क्योंकि अगर वो टीम्स खेल रही होती तो, और डेडली नूब्स भी टाइमिंग की वजह से अगर नहीं जाती तो अबाउट 13-14 टीम्स हमारे पास आज होती। सामने फ्लेयर चलाई गई है और फ्लेयर किसने चलाई है ज़रा हम देखते हैं, और मुझे लगता है ये फ्लेयर बहुत ज़्यादा दूर चली है, याशना वगैरह की तरफ चली है फ्लेयर, और जी हाँ नहीं ये फ्लेयर चली है हमारी यहाँ पर। सो हम जाते हैं ड्रॉप नंबर 2 पे, देखते हैं कि क्या आया है, क्या भिजवाया भाइयों, क्या भिजवा रहे, अरे दिखा दो अरे बहुत ही दूर चला गया, दो ड्रॉप। ओ इसमें है ग्रोजा और MK14, और इसमें है क्या था, इसमें है AWM। ओ भाई स्वाट आइकॉनिक तो फुल्ली लोडेड हो गई यहाँ पर आकर, तो ये जो है ये शूटिंग रेंज और सेवर्नी के आसपास कर रहे हैं, पीछे से वत्सल भागे भागे आ रहे हैं कि भैया ड्रॉप में से हमको भी कुछ दे देना। दो ड्रॉप यहाँ पर मंगा लिए गए हैं और दो ड्रॉप्स का पूरा फायदा उठाएगी स्वाट आइकॉनिक। वैसे ही स्वाट आइकॉनिक का गेम ज़बरदस्त धमाल है। सो ग्रेफिटी डीएन हम देख चुके हैं प्रीमॉक्स में, इनके पास अभी फाइट आने की जल्दी उम्मीद नहीं है, वॉरियर्स के पास ही सबसे पहले फाइट आने की उम्मीद है, क्योंकि बिल्कुल अगल बगल हैं ये दोनों टीम्स। सो ये दोनों टीम्स अभी भी अगल बगल ही बनी हुई हैं और लूट चल रही है दोनों तरफ। उस तरफ पीछे प्रोफेसर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है, शेटी किंग्स थोड़ा सा आगे गए हैं, हम शेटी किंग्स की तरफ चलते हैं और लेट कर अपनी टीम को शायद पोजीशंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी शॉट्स फायर नहीं हुए हैं दोनों टीम्स की तरफ से, सो प्रॉब्ली दोनों टीम्स एक दूसरे का जायज़ा अभी ले रही हैं, और हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देख के आते हैं कि याशनाया में क्या चल रहा है। सो याशनाया में है हमारी नूब। सो आज बड़े नूब छोटे नूब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज बड़े बड़े नूब हैं, नूब बड़े नूब में बॉसमैन हैं, रॉनी हैं, गब्बर भी हैं और ब्रातिन भी हैं। सो जी हाँ यहाँ पर आज घोरी नहीं नज़र आ रहे हैं आपको, लकी विन नहीं नज़र आ रहे हैं। सो बड़े नूब छोटे नूब का कॉम्बिनेशन है बड़े नूब में आज। सो आप भी देख रहे हैं, आप ब्रातिन C7 मूव कर रहे हैं, सामने मुझे एक और टीम नज़र आई। ओके सो हम कैसे भूल गए, हमारी शेडो भी है भैया यहाँ पर, शेडो एज यूजुअल वापस आ गए। सो हमारे यही एक नहीं दो टीम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आपको, याशनाया पोलियाना में और बड़ी बिल्डिंग की तरफ हैं, और इन पर भी क्लोज इन कर रहे हैं धीमे धीमे, यहाँ पर आपको विजन वगैरह नज़र आ रहे हैं और सामने वो टीम है। तो सिमिलर फाइट हमने यहाँ पर देखी थी, वो रेड जोन का बनता, किसी ने नेड नहीं किया है। सो यहाँ पर याशनाया में पीछे बॉसमैन काफ़ी पीछे रह गए हैं, ये जो बम के धमाके आपको सुनाई दे रहे हैं ये बम के धमाके हो रहे हैं रेड जोन के, और हमको रेड जोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ओनिक्स भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरना कहेंगे हमको दिखाते नहीं है, हम दिखा देते हैं भैया, ओनिक्स भैया को दिखाया है, मतलब कहते हैं शैडो टीम को दिखा दिया करो, हमारे ऊपर कैमरा घुमा दिया करो, तो हमने घुमा दिया कैमरा, ऊपर से भी घुमा देते हैं। चलो तो यहाँ पर ये लोग हैं, हमने ऊपर से भी कैमरा घुमा दिया, देख लो ओनिक्स भैया, और हम यहाँ पर भी फाइट, तो दो जगह फाइट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एक तो फर्स्ट ब्लड कहाँ पर शेड होगा ये हमको देखना है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ब्रातिन, गब्बर, बॉसमैन, रॉनी जो है वो धीमे धीमे इकट्ठे हो रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव सीन द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीम इज़ हियर एंड दे ऑलरेडी नो इट, क्योंकि सबसे आगे की बिल्डिंग में आ गए हैं और TPP चल रहा है बिल्कुल। और सामने से भी भैया कैसे बैठे हुए हो तुम, गब्बर वहाँ से आएगा शॉट सामने से, यहाँ से, और टकले में हो जाएगा छेद।
सो शेडो विडन आइंस्टाइन विजुअल थोड़ा सा फ्लैंक करते हुए लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ओनिक्स पीछे हैं, शेडो आइंस्टाइन नीचे हैं, शेडो एरर जो हैं जो कभी एरर नहीं करते वो ऊपर हैं, और बिल्कुल यहाँ से भी टीपीपी का गेम चल रहा है। दे बोथ टीम दीज बोथ टीम नो दैट दे हैव एन अपोनेंट इन फ्रंट ऑफ देम, और इस तरफ कोई नहीं है, पर ये सारे लोग यहाँ से राइट साइड हैं, वापस मुझे दिख रहे हैं वापस जाते हुए अभी शायद। सो लेट्स सी ब्रातिन C7 मुझे यहाँ बाहर की साइड आ गए हैं, ब्रोकन वॉल पे बैठे हुए हैं, और ब्रातिन के पीछे मुझे जो है वो मूव करते या फ्लैंक करते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दूर जा रहे हैं फ्लैंक करने के लिए शायद, क्योंकि रॉनी बॉसमैन मुझे सब मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉसमैन गब्बर जो है वो पीछे चले गए हैं और काफ़ी और आगे छोड़ गए हैं हमारे अकेले अकेले बरातिन भैया को। तो आज न्यूक्लिया, अच्छा न्यूक्लिया तो वैसे भी छोटे नूब से खेलते हैं, आज न्यूक्लिया भी नहीं है और कई सारे लोग नूब बॉय नहीं हैं, तो रॉनी बॉसमैन और बरातिन की टीम है ये आज ज़्यादातर। सो यहाँ पर ओनिक्स वगैरह भी मूवमेंट कर रहे हैं, इनको भी पता है कि टीम है, पता नहीं ये फाइट ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, सामने मुझे नज़र आ रहे हैं ब्रातिन C7 बैठे हुए, और ब्रातिन C7 भी पीछे की तरफ चले गए थोड़ा सा। जी हाँ, ब्रातिन भी पीछे की तरफ आ गए हैं और निकल कर शेडो की टीम सामने आ रही है अब, क्योंकि ये लोग पीछे की तरफ चले गए हैं तो शेडो आगे की तरफ बढ़ रही है थोड़ा सा। ओह, सो एक तसल्ली की बात भी, एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है प्रीमियम टीम में 9-10 टीम होने की। अच्छी बात यह है कि क्या कहते हैं प्राइस, मतलब जो हम आराम से सारी फाइट्स देख लेते हैं, सारी टीम की सिचुएशन, सारे ड्रॉप्स देख लेते हैं, हर चीज़ देख लेते हैं, सौ टाइगेनिक को देखते हैं कहाँ पे हैं। सो गाड़ी में हैं, मूव कर रहे हैं, और मूव करके ये वापस क्यों जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक और ड्रॉप हुआ है, सो लेट्स गो एंड एक्सपेक्टेड दिस ड्रॉप। इस ड्रॉप को लूटने अभी तो लुट गया, पिट गया भाई, ये लुट गया, कौन लूट गया इसे, स्वाट आइकनिक ही लूट गई है क्या, कौन लूट गया, ये डीएन की टीम आके लूट गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि डीएन की टीम का पोजीशन चेंज हो चुका है और डीएम की टीम बिल्कुल उसी तरह से वापस मूव कर रही है शायद, और ये मूव कर गए हैं मेरे ख्याल से उस ड्रॉप को लूट कर। तो बाद में देखेंगे और फटाफट जाते हैं और देखते हैं कि IEM वॉरियर्स और प्रोफेसर्स का क्या सीन चल रहा है। उसके बाद हम बीस्ट तो अभी भी स्कूल के आसपास आ गई है और स्कूल के आसपास इनके बिल्कुल PBX है, तो अब ये लोग भी क्लोज पहुंच गए हैं। यहाँ पर वॉरियर्स को फटाफट एक बार देख लेते हैं पहले, फिर हम चलेंगे और PBX और उनकी पोजीशन को भी देखेंगे। सो यहाँ पर वॉरियर जो है वो प्रोफेसर्स के आमने सामने थी, और प्रोफेसर्स की टीम कौन सी है, टीम नंबर 6। सो टीम नंबर हम 8 को देख रहे हैं और ये है 6, तो 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ से निकल गए। ओके, सो दे हैव लेफ्ट द कोचिंग की, सो नो फाइट गोइंग ऑन हेयर, बट दे आर मूविंग टूवर्ड्स, आई कैन सी टीम नंबर 7 विच इज़ DN। सो DN की टीम भी यहीं पर है और ये प्रोफेसर्स की टीम है और प्रॉब्ली उसी तरफ ही मूव कर रहे हैं। सो फटाफट हम जाते हैं और देखते हैं कि DN के आसपास, क्योंकि गटका पहुंच गई है DN की टीम, और अभी हमको कौन दिखा था वहाँ पर PBX के आसपास, सो स्कूल के आसपास कौन दिखा था, सो पोचिंकी में ये लोग बैठे स्कूल में, जी हाँ 20 दिखी थी हमें। सो 20 के आसपास जो है वो है PBX। सो टीम नंबर 2 PBX इज इन फ्रंट ऑफ देम। PBX अब PBX का जो अपना अपार्टमेंट की लूट ख़त्म करके PBX मूव कर चुकी है सामने स्कूल की तरफ, और आज देखते हैं बीस्ट, क्योंकि इधर पिछले कुछ गेम से मुझे बीस्ट का गेम काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नज़र आया है, और यही शायद वजह है कि आज ये प्रीमियम खेल रहे हैं दीप अंशु बीस्ट, क्योंकि बेस्ट टीम्स के साथ अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली तो आपका गेम प्ले तो इम्प्रूव हो गई होगा, और साथ साथ अगर आप प्रीमियम खेलेंगे सो जब कुछ स्टेक पर होता है तब और भी ज़्यादा आपका गेम बेटर हो जाता है। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पर करण मुझे बाहर मूव करते हुए गाड़ी से दिख रहे हैं, सो प्रॉब्ली ये लोग भी अभी जोन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो थोड़ा सा जोन से बाहर हो चुका है। यहाँ मुझे शेडो की टीम भी मूव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, हम जाते हैं शेडो विजन पर और देखते हैं कि बिल्कुल ये भी अपार्टमेंट के बैक साइड में ही आ गए हैं, यहाँ सामने नीचे की तरफ जो है स्कूल होता है, और शेडो जो है यहाँ ऊपर की तरफ पहुँच चुकी है। उसके अलावा नूब की टीम जो है उसको भी देख लेते हैं, नूब की टीम भी याशनाया से निकल चुकी है, जोन है इनके पीछे और ये भी मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई फाइट अभी फिलहाल नहीं हुई है। बीस्ट वगैरह की फाइट होने की जो चांसेस हैं वो PBX से बिल्कुल हैं, पर मुझे लगता है कि ये लोग भी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने की फिराक में हैं। बिल्कुल देखा कैसे पोएम की तरह बोला मैंने, तो मैं भी गाड़ी यहीं लगाता हूँ बिल्कुल इसी जगह। तो मुझे मेरे साथ कोई खेल रहा हो तो याद रखना मैं गाड़ी यहाँ लगाता हूँ, ठीक है हमेशा। सो कल हम बात कर रहे थे, गेम खेल रहे थे कि भाई गाड़ी चलाना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। PBX यहाँ से मूव कर गई क्या, चलो फटाफट देखते हैं टीम नंबर 2 कहाँ मूव करके गई।
सबको, हमको तो एटलीस्ट। चलो ये पीबीएफ पीछे वाले अपार्टमेंट में आ गए हैं और इनकी तरफ बिल्कुल जबड़े में चली आ रही है सामने से बीस्ट। सो वहाँ से बीस्ट आते हुए दिखोगे, नहीं बीस्ट ऊपर की तरफ से आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। दिस आई ऑलवेज से वेन एवर यू आर डूइंग अ मूवमेंट और समथिंग। किसने चलाई गोली? सो यहाँ पर बाहुबली है, तो बाहुबली को देखते हैं क्या कर रहे हैं। सो बाहुबली को अंदाज़ा नहीं है अभी, सो अभी भी कोई फाइट नहीं हुई है। 36 के 36 लोग इंटैक्ट हैं अभी भी, और ये होता है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगा था दो जगह फाइट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो मूव कर रहे हैं, वहाँ पर शेडो भी है। सो आगे वहाँ पर निकल गई बीस्ट की टीम आगे की तरफ इस तरफ से, और ये सबसे अच्छा मूवमेंट होता है जब आप मूवमेंट करते हैं अपर ग्राउंड से। तो मुझे लगा इधर से शॉट्स लिए पीबीएक्स की टीम ने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शेडो की टीम जो है निकल गई। एक और वहाँ पर ड्रॉप चला है जो जॉर्जो पुल के पास है। हम जॉर्जो के पुल के पास देखते हैं। अरे भैया कितने ड्रॉप लूटोगे शॉट आइकोनिक? तो शॉट आइकोनिक वगैरह यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ड्रॉप मंगाया गया है शायद। बिल्कुल मुझे ऊपर भी आसमान में ड्रॉप दिखा था, कहाँ शॉट आइकोनिक जॉर्जो पुल पहुँच चुकी है, और ड्रॉप का प्लेन तो कहीं और जा रहा है। सो ड्रॉप का प्लेन किसके पास जा रहा है? और यहाँ प्रोफेसर्स ने ड्रॉप मंगाया है मुझे लगता है, और ये ड्रॉप तो चुका है लुट। सो प्रॉब्ली प्रोफेसर्स ने भी ये ड्रॉप नहीं मंगाया है, और ड्रॉप वहाँ पे मंगाया गया है। वो कौन है? किसने ड्रॉप मंगाया? हम किसके पास हैं? सो स्वाइट आइकनिक और प्रोफेसर्स क्लोज इन कर रहे हैं। यहाँ पर डी एस जा रहे हैं बिल्कुल प्रोफेसर्स के पास। प्रोफेसर डीएस को देखते हैं कि स्वाट आइकनिक के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं ये। और यहाँ पर ड्रॉप किसने मंगाया था? प्रोफेसर्स ने मंगाया था, स्वाट आइकनिक ने मंगाया था। हाँ जी, प्रोफेसर्स के आगे के प्लेयर्स ने मंगाया था, और यहाँ पहुंच चुके हैं। और इनको शायद अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि सामने एक टीम और है इनके, और ये ड्रॉप कहीं किसी को महंगा ना पड़ जाए। तो स्वाट आइकनिक सामने है, चलो स्वाट आइकनिक की फाइट होने की पूरी पूरी संभावना है। ड्रॉप देख चुके हैं ये लोग गिरते हुए, और दे ऑलरेडी नो। सो पोजीशंस ली जा रही है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं हर्ष भैया को। हर्ष भैया आई, हर्ष के ऊपर ड्रॉप आया। ड्रॉप किसने मंगाया? मैं भी देखूँ पहले ड्रॉप में क्या है। सो ड्रॉप में ग्रोजा है, इनके 14 है, ये भी लूटा भैया। स्वाट आइकनिक ने आज दो दो तीन तीन ड्रॉप लूटे। तो नहीं भाई, प्रोफेसर्स ने नहीं मंगाया था ये ड्रॉप, पर प्रोफेसर्स यहाँ पहुँच चुकी है, और इनको ड्रॉप भी आता हुआ पता चल गया है। ड्रॉप लूट चुका है ड्रॉप में। अब फिलहाल जो अभी भी ग्रोजा और इनके 14 बची है, यानी ग्रोजा और इनके 14 किसी ने नहीं उठाई। सो प्रोफेसर्स की टीम वहाँ सामने बैठी हुई है, और दे आर प्रॉब्ली टेकिंग एक्सपेक्टेटिंग कि सामने से कोई हमें नजर आए, क्लियर शॉट मिले तो हम शॉट लें। तो चले हमसे, और प्रोफेसर जो है वो भी यहाँ से निकल रही है। व्हाट इज दिस हैपनिंग भैया? हाई स्किल के पैसे क्या लास्ट में लड़ोगे सब? जब एक तरफ दो दो तरफ फाइट करोगे तब देख नहीं पाएंगे, एक एक करके कर लो यार फाइट, मन जाए करो बात। कम मान गाइज। सो अब चल रहे हैं हम, और यहाँ बिल्कुल शॉट शुरू हो गए। शॉट 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 शॉट। शेडो विजन, तो शेडो कर रही है पहली फाइट, और इस टीम की पहली फाइट कितनी देर बाद भैया? 18 मिनट हो गए। थोड़ी बहुत मुझे शॉट्स वगैरह लगे थे, और यहाँ पर मुझे एरर वगैरह विजन जो है शॉट्स लेते नज़र आए थे बेबी, और ये शॉट्स ले रहे थे किसी मूविंग टीम के ऊपर। यहाँ पर ब्रातिन सिर्फ 7 है, आई एम वॉरियर भी है। आई एम वॉरियर अभी भी शायद पोचिंकी में ही है, कहाँ पे है देखते हैं। हाँ जी, पोचिंकी के थोड़ा बैक साइड वाला ये पोर्शन है, यहाँ पर है ये। और यहाँ पर मुझे नूब की टीम भी नज़र आई थी, ये रही नूब। नूब यहाँ से मूव करती हुई जा रही है, और ये भी वो घर प्रोफेशनल्स और साइट है कहीं जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं, और सब हायर ग्राउंड का एडवांटेज अब लेना चाहेंगे। सो मुझे लग रहा है कि नहीं। सो यहाँ इस वाले कंपाउंड में शायद रुकने का प्लान है, या वापस कहाँ चल दिए? ये तो सीधे जा रहे हैं शेडो के पास। शेडो से मिलने पहुंच गए हैं ब्रातिन C7, गब्बर और बॉसमैन वो सामने से आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब तो हमें फाइट दिखा दो भाई। 36 के 36 कब तक बने रहोगे? कम ऑन यार। किसी ने तो शॉट लिया, इधर से आया शॉट। यस यस, ऊपर से शॉट आ रहे हैं, और पीछे शेटिकिंग्स वगैरह भी। टीम नंबर 8 आ चुकी है पीछे, विच इज आई एम वॉरियर बिल्कुल आ चुके हैं। सही बोला था कि गौरव शेट्टी किंग्स, और ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ से आज अब इनको पूरा पूरा खतरा है अगर ये मूव करके आगे की तरफ आते हैं। बिल्कुल मूव कर रहे हैं और आगे की तरफ ही आते, थर्ड पार्टी करने का पूरा प्लान है आई एम वॉरियर्स का, डिस्ट्रॉयर वारियर। ये लोग यहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ पर शेडो के सामने पहुँच गए। शेडो विजन सामने से शॉट्स ले रहे हैं, गाड़ी के टायर फोड़ने की कोशिश चल रही है।
जहाँ पे वॉरियर आपको एक्चुअली जो दिखाई दे रहे हैं वो बैक साइड में है, नूब बॉसमैन बीच में है, सो नूब बॉसमैन के पीछे से वॉरियर भी शॉट ले रही है। बिल्कुल वॉरियर ने भी शॉट लेने शुरू कर दिए हैं, और अगर आपको पीछे दिख रहा होगा तो शेटी किंग वगैरह इन पर शॉट ले रहे हैं, बहुत गलत जगह फंस कर रह गए हैं बॉसमैन। सो बॉसमैन अकेले यहाँ पर क्यों है, बाकी टीम जो है फ्लैंक करके दूसरी तरफ चली गई है। ध्रुव ने नूब गब्बर को नॉक कर दिया है, सो उधर की तरफ जो अगर हम फाइट करें तो उधर की तरफ भी फाइट चल रही है। हम यहाँ पर थ्री वे फाइट अब देख रहे हैं, वॉरियर से सेम ग्राउंड में बॉसमैन है, गब्बर यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं घुटनों के बल, इनको रिवाइव किया जा रहा है सामने से। आई एम वॉरियर्स ने इनके ऊपर शॉट लिए हैं, अभी भी आई एम वॉरियर्स की तरफ चलते हैं। शेडो को भी पता चला है कि ऊपर की तरफ दो शॉट चल रहे हैं और लोअर ग्राउंड में पर ही है वॉरियर ने नूब गब्बर कंफर्म कर दिया है। नूब रॉनी पे शॉट लिए जा रहे हैं, शेडो विजन के शॉट आपने अभी अभी देखे, शेडो एरर देखते हैं क्या कर रहे हैं, शेडो एरर भी शॉट्स ले रहे हैं रॉनी की तरफ ही। शेडो आइंस्टाइन ओनिक्स अभी तक शॉट नहीं ले रहे हैं, आइंस्टाइन शॉट ले नहीं ले रहे हैं, विजन और एरर्स को शॉट लेते हुए हमने देखा अभी अभी। मूव करते हैं, देखते हैं वॉरियर्स कहाँ पे है। शॉट आइकनिक हर्ष ने वहाँ पर शॉट आइकनिक और प्रोफेसर की फाइट शुरू हो गई है। हम फटाफट शॉट आइकनिक की तरफ जाते हैं और देख के आते हैं कि वो फाइट कैसी चल रही है। तो जोकर यहाँ पर ग्रोजा लेकर दौड़ लगा रहे हैं हर्ष को, हर्ष ने अपने आप को हील किया है अभी अभी। प्रोफेसर से फाइट हो रही थी, प्रोफेसर के इन्होंने कुछ नॉक्स निकाले थे लेकिन अभी भी सेफ हैं, अंदर हैं और यहाँ पर रश कर दिया है। ओ भाई भाई मुझे दिखा दो, भाई मुझे दिखा दो, ओ ये क्या हो गया। सो यहाँ कहाँ से मारा हर्ष ने, मारा कहाँ से, ओके सीढ़ियों से आए थे और मारता, ओके सो जो वो अंदर नॉक सारे पड़े हुए हमें दिख रहे थे, तो यहाँ पर जो सीढ़ियों पे लास्ट प्लेयर था उसको फिनिश कर दिया है। सो प्रोफेसर्स इज द फर्स्ट टीम विच इज आउट, और उसके बाद हम मूव करते हैं कहाँ पे, ओ वहाँ पर दो किल्स निकल गई, वहाँ पर बॉसमैन और रॉनी ब्रातिन और रॉनी बचे हुए हैं दो लोग, और ये यहाँ से मूव कर रहे हैं और सेम ग्राउंड में आई एम वॉरियर्स अब नहीं है। आई एम वॉरियर्स कहाँ गई, आई एम वॉरियर्स को ढूंढते हैं फटाफट। सो आई एम वॉरियर्स अभी भी यहीं पर हैं, आसपास ही हैं। यहाँ पर शॉट आइकनिक ने डीएन डेविल को नॉक कर दिया, शॉट आइकनिक ने फटाफट फाइट लेनी शुरू कर दी है। सो शॉट आइकनिक के पास चलते हैं, यहाँ पर जोकर ने अभी अभी AWM का फटका दिया है डीएन की टीम को, डीएन की टीम वहाँ पर सामने नज़र आ रही है हमें, और क्या शॉट मारा है। सो यहाँ पर फुल लेस है एक AWM और उसमें शॉट आइकनिक जोकर ने डीएन लॉर्ड को भी गिरा दिया है। सो डीएन लॉर्ड वगैरह की टीम वहाँ पर है और हम यहाँ से जोकर जो है फटाफट शॉट मार रहे हैं, हम इनके शॉट्स देखते हैं कि कैसे चल रहे हैं। तो शॉट आइकनिक हमारे सुतली बम थे पहले और आज सुतली बम चला रहे हैं, मतलब शॉट जोकर चला रहे हैं AWM। सो दो प्लेयर्स गिरा चुके हैं डीएन के, डीएन की तरफ से शॉट आने शुरू हुए थे, AWM का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पर। चले हम जरा सेम ग्राउंड में चलते हैं और जरा डीएन की तरफ, डीएन की हालत देखते हैं। तो लकी की हालत बुरी है, डेविल ने अपने आप को अभी अभी हील किया है, गोकू ने अपने आप को हील किया है, लॉर्ड ने हील किया है। यहाँ पर ग्रैफिटी की टीम पर मूव आसपास आ चुकी है, सो ग्रैफिटी भी यहाँ पर है, ग्रैफिटी और PBS की फाइट होने की संभावना है, सेम ग्राउंड में है। सो बाहुबली ने अभी अभी Car98 का फटका लिया है एक, लेकिन फटका जो है पड़ा नहीं प्रॉपर ग्रैफिटी के ऊपर। सो ग्रैफिटी के नो मर्सी वैम्पायर नज़र आ रहे हैं, आपने बाहुबली के स्कोप में अभी अभी जो शक्ल देखी थी वो शायद करण शाह की थी। एक और शॉट लिया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ है बेबी। सो यहाँ पर बीस्ट कहाँ पर है देखते हैं हम। सो बीस्ट मूव कर रही है और बीस्ट सीधे मूव करके जा रही है टीम नंबर टू की तरफ, टीम नंबर टू इज ऑल्सो PBX। सो PBX प्रॉब्ली सैंडविच होने वाली है लेकिन PBX वहाँ से निकल गई। सो PBX निकल कर बीस्ट की तरफ ना जाकर अपोजिट साइड से बिल्कुल जोन के एज पर होते हुए निकलने की कोशिश कर रही है। बीस्ट ऊपर से आई है और बीस्ट को पता चला कि अभी भी यहाँ से गाड़ी निकली है और बीस्ट प्रॉब्ली बीस्ट से फाइट होने की पूरी पूरी संभावना है और शॉट शुरू हो गए। बिल्कुल जीत ने पहले शॉट लिए और जीत ने जो सामने डिस्ट्रॉयर को, हाइपर डिस्ट्रॉयर को अभी भी नॉक कर दिया है। बीस्ट अभी ने करण शाह को नॉक कर दिया है। तो यहाँ पर एक अच्छी फाइट होती हो रही है, करण शाह नॉक पड़े हुए हैं अभी और PBX जीत है जो ग्रेनेड्स कर रहे हैं और ग्रेनेड्स देखते कनेक्ट नहीं हुए क्योंकि ग्रेनेड जहाँ पड़े हैं उससे पीछे की तरफ है। बाहुबली ने बीस्ट अंशु को नॉक कर दिया है। सो फटाफट हम प्लेयर व्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि बीस्ट बाहुबली कहाँ पर है। सो बाहुबली के पास चलते हैं, बाहुबली भी नॉक हो गए हैं अभी भी। विक्रम भान सिंह ने भी संशु को नॉक कर दिया है, बाहुबली को डिस्ट्रॉयर ने फिनिश कर दिया अभी अभी हमारे सामने और पूरी बीस की टीम जो है वो फिनिश कर दी गई मोमेंट। तो दो प्लेयर्स नॉक किए थे बाहुबली और करण शाह, दो ऑजोल्टर्स को नॉक किया और बीस्ट ने फिनिश हो गई। सो गुड गेम बीस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, द थर्ड सेकेंड टीम टू फिनिश इन दिस। सो आज हमारी दो टीम्स अभी तक बीस्ट और प्रोफेसर्स, दो जो फर्स्ट टाइम प्रीमियम खेल रही थी उनको इसका
फायदा भी मिलेगा डीएन लकी ने वॉरियर्स को। तो आई एम वॉरियर्स और डीएन की फाइट शुरू हो गई है। हम फटाफट जाते हैं डीएन पर, और डीएन की जो पहली फाइट थी वो अब नहीं है। अभी भी इन्होंने नॉक निकाला, एक डेविल अभी शॉट्स ले रहे हैं और क्लियर हेड नजर आ रहा था। यहाँ पर एक ड्रॉप और आया है जिसके बीच हम ड्रॉप भी देख लेंगे। M249 है इसके अंदर और शॉट्स ले रहे हैं बराबर डेविल, और डेविल के ऊपर शॉट्स आ भी रहे हैं। वहाँ पर हिट्स लिए हैं, हिट्स लिए हैं किसी और ने। लकी जो है कहाँ पर है, लकी बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पर है। लकी की तरफ से शॉट्स आ रहे हैं, M24 के फटके पड़ रहे हैं और आई एम वॉरियर गलत जगह फंस गई है ओपन में। यहाँ पे GRF ऑन टॉप ऑफ गिर गए हैं, ऑन टॉप ऑफ से ऐसा कैसे हो सकता है, ऑन टॉप ऑफ को कौन गिरा सकता है, ऑन टॉप ऑफ से ऑन टॉप ऑफ गिर पड़े हैं और शायद फिल हो गए हैं, क्या हुआ पता नहीं मुझे। यहाँ की फाइट देख लेते हैं फिर हम वहाँ चलेंगे, फटाफट चलते हैं। सो यहाँ पर डेविल लकी बराबर शॉट सारे लोग ले रहे हैं। हम बार बार चेंज करके देखते रहेंगे कि कौन कहाँ से शॉट ले रहा है, और गोकू अभी यहाँ से शॉट लेते हुए डेविल नज़र आ रहे थे तो गाड़ी ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आई एम वॉरियर्स जो है वो सामने फंसी हुई है। अभी यहाँ पर FK फाइन है, स्विच फाइन है और इनको कवर में रहने के अलावा और कोई वो ऑप्शन नहीं है। खुद ही गाड़ी ब्लास्ट की है इन्होंने ताकि ये गाड़ी का कवर बना सकें अपने लिए, अपने प्लेयर्स को हील करने के लिए। यहाँ पर शेटी किंग्स अब सारे लोग रिवाइव हो चुके हैं जो शॉट हुए थे। ध्रुव भी अपने आप को हील कर रहे हैं, गाड़ी का कवर अच्छा मिल गया है इन्हें। डीएन की टीम अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है इनका, पर इनके पास अब यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है, इस बात पर गौर कीजिएगा। सो हम जरा तो अभी भी बराबर शॉट्स चल रहे हैं और हम चेंज करके जब चले आते हैं प्लेयर्स पे। डीएन यहाँ से शॉट ले रहे हैं, बहुत अच्छा शॉट लगाया डीएन लकी ने और हमारे सामने SJ को जो थे वॉरियर के सुज को नॉक किया है। अभी सुज जो है घुटनों के बल आ चुके हैं, सुज को रिवाइव किया जा रहा है लेकिन कवर है, स्मोक्स किए जा रहे हैं फटाफट। डीएन की फाइट चल रही है, पीछे मुझे शॉट आइकनिक आती हुई नजर आ रही है। थर्ड पार्टी होने की पूरी पूरी संभावना है। शॉट आइकनिक बिल्कुल सेम ग्राउंड में आ चुकी है, शॉट आइकनिक से उस तरफ जो है पीछे की तरफ नहीं, हम कहाँ चले हैं, नहीं शॉट आइकनिक नहीं है। शॉट आइकनिक की फाइट ग्रेफिटी से चल रही है, ग्रेफिटी के सारे प्लेयर अभी इंटैक्ट हैं। सो ग्रेफिटी की शॉट आइकनिक की यहाँ पर फाइट चल रही है, वहाँ पर फाइट चल रही है डीएन की। सो हम डीएन की फाइट देखें कि हम शॉट आइकनिक की फाइट देखें तो हम बार बार चेंज करके इधर उधर जाते रहेंगे। ग्रेफिटी के ऊपर भी एक ड्रॉप गिर रहा है अभी यहाँ पर, और वेम्पायर भैया वगैरह यहाँ पर हैं सामने, शॉट आइकनिक वत्सल वगैरह नज़र आ रहे हैं हमें। डीएन के पास फटाफट पहुँचते हैं वापस और देखते हैं कि शेटी किंग्स यहाँ से निकल गए, यहाँ से शेटी किंग और जो आई एम वॉरियर्स की पूरी टीम थी वो और रश किया, ये दैट इज रॉन्ग। ध्रुव को नॉक किया हमारे सामने लॉर्ड ने, और लकी भी मूव कर रहे हैं अब नीचे, रश हो चुका है इनके ऊपर और शॉट लिए जा रहे हैं। सामने एक और किल नॉक निकाला है वॉरियर्स ने, डीएन गोकू को फिनिश कर दिया है, लकी ने सुज को नॉक किया है। अभी डेविल यहाँ पे, यहाँ करण शाह पे हम कैसे पहुँच गए भाई। सो हम तो थे डीएन की टीम के ऊपर, डीएन की टीम फिर वॉरियर्स ने डीएन गोकू को फिनिश कर दिया है। ये हमारा चेंज कैसे हो गया भाई, हम थे वॉरियर्स के ऊपर। सो यहाँ पर डीएन की पूरी टीम, यहाँ पर PBX और नूब की फाइट शुरू हो गई, फटाफट नूब और PBX पे जाते हैं और यहाँ पर हम फाइट देखते हैं। PBX जीत को, शेडो विजन को यहाँ पर नॉक कर दिया है, शेडो की टीम के ऊपर चलते हैं। शेडो विजन यहाँ पर कर रहे हैं फाइट और फाइट चल रही है इनकी टीम नंबर 8 से। सो टीम नंबर 8 वहाँ से आ गई है और यहाँ पर ग्रेफिटी जो ऊपर है और दूसरी तरफ शेडो विजन इनके नज़र आ रहे हैं। तो शेडो जो है वो थोड़ा सा अपर ग्राउंड का फायदा है शेडो विजन वगैरह को, लेकिन जोन भी आने वाला है, आज चल चुका है जोन। तो इन्हें गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। शॉट आइकनिक जोकर ने एमोनिक्स को नॉक किया है अभी, एमोनिक्स की तरफ चलते हैं, शॉट आइकनिक की तरफ चलते हैं। फटाफट देखते हैं कि शॉट आइकनिक जोकर ने आज धमाल मचा रखा है, नॉक्स बहुत निकाले हैं पर अभी तक किल नहीं निकाले हैं। हर्ष यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं, हर्ष के ऊपर स्मोक आया नहीं है, ग्राफिटी के ऊपर से ग्रेनेड आया था, ब्लीड और तेजी से हो रहे हैं यहाँ पर। और प्लेजोन से नूब रॉनी नॉक हो गए यार, ये नूब की टीम के साथ कुछ अभिशाप हो गया है कि प्लेजोन से ज़रूर जाएगा कोई ना कोई। सो रॉनी चले गए अभी प्लेजोन से। शॉट आइकनिक हर्ष जो है वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, हर्ष अभी भी दो किल्स निकाल चुके हैं। जोकर यहाँ पर हैं, श्याम यहाँ पर हैं और वत्सल यहाँ पर हैं, इस तरह शेडो विजन दिखाते हैं। करण शाह ने अभी एक नॉक निकाला है। सो यहाँ पर PBX की टीम भी पहुँच चुकी है और PBX की टीम भी शॉट ले रही है शेडोज के ऊपर ही। सो ग्रेफिटी ऑन टॉप ऑफ शेडो विजन, मैं आपको सबकी पोजिशन एक बार दिखा देता हूँ अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर। सामने शेडो विजन है, वहाँ पर ग्रेफिटी है, पीछे टीम नंबर 4 नज़र आ रही है और ये PBX की टीम नज़र आ रही है। तो 1, 2, 3 टीम ये है, चौथी टीम ये है और पांचवी टीम कहाँ गई। सो पांचवी टीम कहाँ है, वो टीम नंबर 8 है, 2 है, 2, 3, 4 और ग्राफिटी और ये। सो हो गई पांच, नहीं
आई एम वॉरियर्स अभी बची हुई है, अभी भी 5 टीम्स बची हुई हैं। आई एम वॉरियर्स जो है अभी भी इंटैक्ट है, और आई एम वॉरियर्स कहाँ है, आई एम वॉरियर्स थोड़ा दूसरी तरफ से फ्लैंक कर रहे हैं। ग्रैफिटी वेम्पायर जो है अभी भी अपर ग्राउंड का एडवांटेज है इनके सामने, एक आर्मर्ड व्हीकल भी है इनके पास जिसका इन्हें फ़ायदा मिलेगा। दो दो आर्मर्ड व्हीकल है क्या? अच्छा कितने निकल आए थे क्या, लकी ड्रॉ में निकले थे क्या? स्वाट आइकनिक, वत्सल, हर्ष, जोकर और हर्ष सब के सब इंटैक्ट हो चुके हैं वापस। और ग्रेफिटी के ऊपर शेडो का कहर बरपा सकती है, अगर शेडो ने, शेडो एक्चुअली प्ले जोन से भी थोड़ी सी इंपैक्ट हो रही है। ओनिक्स जो हैं वो भाग रहे हैं लेकिन साथ में ले रहे, अब बीच में कोई कवर भी नहीं है। बाहुबली ने शेडो एरो को नॉक कर दिया, यहाँ पर ओनिक्स के ऊपर भी शॉट आए हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पर बचना क्योंकि पीवेक्स के उनके और प्ले जोन से बचना पड़ रहा है। आई एम वॉरियर ने शेडो एरो को नॉक कर दिया है, तो शेडो के ऊपर से पीवेक्स का और आई एम वॉरियर का दो लोगों का प्रहार हो रहा है। एमोनिक्स चले गए, शेडो विजन चले गए, चारों प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर फटाफट पीवीएस के ऊपर चलते हैं, पीवीएस की फाइट हो रही है आई एम वॉरियर से। शॉर्ट एगेनिक ने जी आर अपॉन टाइप को वहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर आई एम के शेटी किंग को नॉक कर दिया है, ऐसा है ऐसा ही हर्ष को जी आर एफ मर्सी ने वहाँ पर जी आर एफ और एस आई की हो रही है। विक्रमान सिंह ने यहाँ पर शेटी किंग्स को किया है। फटाफट एस आई पर भी जाएंगे और देखेंगे शॉर्ट एगेनिक और ग्रेफिटी की फाइट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर चार टीम्स बची हैं, आई एम वॉरियर्स और पीवीएस की फाइट चल रही है, शॉर्ट एगेनिक और ग्रेफिटी की फाइट चल रही है। अब पहले पहले फाइट किया करो तो हम सबको देख पाएंगे। शॉट एगेनिक की हर्ष की किल कंफर्म कर दी, तो आज हम हर्ष का गेम नहीं देख पाएंगे। वत्सल यहां पर रिवाइव कर रहे हैं, एक नेड आया जिससे डैमेज भी लिया है लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं यहां पर, और दो नेड्स आए थे इनके ऊपर और यहां से निकलना चाह रहे हैं पर ग्रेफिटी की टीम इनके ऊपर सवार है। वैम्पायर भैया को खून पीना है, पीना है, पीना है, पीना है, पीना है, पीना है, पीना है। और आके शॉट एगेनिक के जोकर की किल कंफर्म कर दी है और शॉर्ट आइकनिक के सिर्फ दो लोग अभी बचे हुए हैं। ग्रेफिटी ने अंदर घुसकर जो है शॉर्ट आइकनिक की किल कंफर्म की है। अभी भी सामने मुझे वत्सल और श्याम नज़र आ रहे हैं, वत्सल और श्याम अपने आप को हील कर रहे हैं। पीबीएस की टीम ने वहां पर आई एम वॉरियर्स को गिराना शुरू कर दिया है। सो जीत जो यहाँ से शॉट ले रहे हैं, बाहुबली यहाँ पर लेटे हुए हैं और पीबीएक्स जीत यहाँ से शॉट ले रहे हैं, करण शाह शॉट ले रहे हैं। सो विक्रम भान सिंह भी है, सो इनके साथ भी थोड़ा सा प्ले जोन में मूव करने का प्रॉब्लम है। पहले वही प्रॉब्लम शेडो के ऊपर आया था, अब वही सेम प्रॉब्लम जो है वो पीबीएक्स के ऊपर है। यहाँ पर ध्रुव ने करण शाह को नॉक कर दिया है। सो यहाँ पर जो आई एम वॉरियर्स है वो भी एक ऑसम गेम दिखा रही है। अभी चार के चार प्लेयर्स इंटैक्ट हैं, करण शाह की किल कन्फर्म कर दी है अभी जी आर एफ नो मर्सी ने। सो मारा ध्रुव ने, लिया जी आर एफ ने और ध्रुव के ऊपर शॉट आ रहे हैं पीछे से और विक्रम भान सिंह ने आई एम वॉरियर्स को कर दिया है। ध्रुव को भी विक्रम भान सिंह ने नॉक कर दिया है। ऑसम गेम पीबीएक्स, विक्रम भान सिंह ने वॉरियर सुज को भी कर दिया है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं पीबीएक्स के विक्रम भान सिंह ने तहलका मचा रखा है, तीन किल्स निकाली हैं लेकिन अभी अभी जीत की भी किल निकल गई है। सो अब दो प्लेयर्स बचे हैं, बाहुबली और दो प्लेयर्स बने थे, तो विक्रम भान सिंह को यहाँ पर नॉक कर दिया है शेटी किंग्स ने। शेटी किंग ने अकेले अपनी टीम के लिए जो है पूरी पीबीएक्स को फिनिश कर दिया। व्हाट अ गेम गौरव, ऑसम गेम। तो शॉट एक यहाँ पर शेटी किंग्स को भी ऐसा ही वत्सल ने फिनिश कर दिया है। तो साथ साथ दो टीम्स फिनिश हो चुकी हैं, ग्रेफिटी की पूरी टीम इंटैक्ट है, वेम्पायर अभी पड़े हुए हैं ऑन टॉप ऑफ, जो ऑन टॉप ऑफ से गिर गए थे आज वो नीचे आ गए थे। और यहाँ पर नो मर्सी मुझे नज़र आ रहे हैं सामने, जो कि अब सामने वत्सल और श्याम दो लोग बचे हैं, पर हमने पिछले मैच में हर्ष को देखा था। यहाँ पर मौली की गई है, हम देखते हैं मौली कहाँ कनेक्ट होती है जाकर वेम्पायर के ऊपर। यहाँ पर स्मोक की तरफ मौली की गई थी पर वो मौली थोड़ा सा आगे ही गिर पड़ी है और मौली से कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर वत्सल, हाँ ये क्या हो गया, हमको कहीं से नज़र आ रहा था भाई, कट 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 कहाँ से नज़र आया था वत्सल का, MK14 के शॉट चल रहे थे यहाँ पर। अरे अरे हमको सही से कहीं नज़र आ रहा था, जी आर एफ एम्पायर ने ओ विशाल की कंफर्म कर दी है। सो एक व्यक्ति अब बचा हुआ है, नो मर्सी अभी भी पड़े हुए हैं ऑन टॉप ऑफ, यहाँ पे आज ऑन टॉप ऑफ को किल नहीं मिली है। नो मर्सी ने कोई मर्सी नहीं दिखाई है, चार किल्स लिए हैं। वेम्पायर भैया ने एक खून में एक बंदे का खून पिया है, नो मर्सी भी नॉक पड़े हुए हैं। तो 4 vs 1 की फाइट है और पिछली बार हमने देखा था 4 vs 5 vs 1 की फाइट थी, 5 लोग थे, एक अलग टीम थे और एक अलग, और यहाँ पर वत्सल की भी किल निकल गई। तो शॉर्ट आइकनिक सेकेंड पोजीशन पे फिनिश करती है, अभी तक हमने किल्स का नहीं देखा है लेकिन जीआरएफ ने 6 किल्स निकाली हैं और फर्स्ट पोजीशन गेम गेन की है। ऑसम गेम ग्रेफिटी, एक बार फिर ग्रेफिटी ने प्रीमियम मैच का टूर्नामेंट जीता, प्रीमियम मैच जीता, सॉरी टूर्नामेंट नहीं है ये, एक मैच होता है। सो प्रीमियम मैच जीता और 6 किल्स निकाली। शॉर्ट आइकनिक ने फिर से ऑसम गेम दिखाते हुए 5 किल्स निकाली हैं और
आई एम वॉरियर्स ने आज बहुत इंप्रेस किया है, मुझे बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया है। सो आज टाइम चेंज करना मुझे इनके लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। सो 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 किल्स निकाली हैं। डीएनई पे बहुत भारी पड़ गए थे ये, और पहले मुझे लगा था बहुत गलत पोजीशन में फंस गए, कवर में है डीएनई की टीम, पर डीएनई की टीम ने जो बाहर आके गलती की वो शायद उनको भारी पड़ गई और आई एम वॉरियर्स ने उनकी किल निकाली। उसके बाद पीबीएस का सफाया किया आज आई एम वॉरियर्स ने, वेरी इंप्रेस्ड, आई एम ऑसम गेम आई एम वॉरियर्स। सो आज मैंने 2, 4, 3, 7 किल्स निकाली हैं, 8 किल्स निकाली हैं ओके पीबीएक्स की टीम ने। सो मुझे लगता है कि ये जो है हमें किल टॉप किल्स में तो फिर चली गई। सो आज पीबीएक्स की टीम ने नंबर 3 में नहीं आई, पर फिर भी 4, 3, 7, 1, 8 किल्स निकाल कर इन्होंने जो है आज भी प्राइस जीत ही लिया आखिर, माने नहीं। सो हाईएस्ट स्किल के दो प्राइस थे जो 100 रुपीज़ ईच मिलेगा, सो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो आज शेडो की टीम के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट रहा और कोई भी किल नहीं निकाली है, ना ही नूब की टीम ने कोई किल निकाली है, और शिकार हो गए थे ये सैंडविच सिचुएशन का। डीएन की टीम के लिए भी आज वही रहा, कोई भी किल्स नहीं निकाली है, और वही रहा प्रोफेसर्स की टीम के ऊपर कि उन्होंने भी आज कोई किल्स नहीं निकाली है। सो हार्ड लक। सो जो टॉप 4 टीम्स थी मैं सारी की सारी किल्स उन्होंने ही निकाली हैं, और प्राइजेस जो टॉप किल्स के थे वो मेरे ख्याल से जाएंगे ग्रैफिटी और करण शाह को, बट आई चेक, सॉरी मतलब करण शाह को नहीं, ग्रैफिटी को और पीबीएक्स को, और हम देखेंगे फिर से एक बार कंफर्म करेंगे कि कितनी कितनी किल निकाली है। सो 3 ओ नहीं भाई, आई एम वॉरियर्स ने निकाली है 6, 7, 8, 9 किल्स निकाली है ना भाई, नहीं तो आज ग्रैफिटी को नहीं जाएगा टॉप किल, बल्कि जाएगा पीबीएक्स और आई एम वॉरियर्स को। सो गुड बाय, दिस इज आशुतोष, प्रीमियम मैच फिनिश होता है एंड सी यू ऑन नेक्स्ट मैच, दैट विल बी टुमारो। सो ईद वाले दिन, बकरीद वाले दिन हम मैच करेंगे, तो एक फ्रेंडली मैच करेंगे, और फ्रेंडली मैच होगा सोलो। सो सी यू टुमारो इन अनदर मैच एट 7 PM। गुड बाय, टाटा, दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ।